नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। गो गैलर दोस्तों, आज हम बात करने वाला है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर। जी हाँ दोस्तों, किसी ने बहुत कहा है कि किसी ने ऐसे यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं जिससे आपको नेगेटिविटी भर जाए। जी हाँ दोस्तों, वो नेगेटिविटी को लेकर ही मैं आया हूँ यूट्यूब पर एक वीडियो बनाने के लिए। आपके सामने मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं ऐसी बात करने वाला हूँ जो आपने कभी जानी नहीं। तो चलिए दोस्तों, आसान तरीके से समझ लेते हैं कि वो क्या बात है जिससे मेरे को वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। और दोस्तों, आपने अभी अभी कुछ ही महीनों पहले या कम टाइम से भी आपने लगभग एक महीने के अंदर अंदर एक बात सुनी होगी कि संजीव सर ने चेतन सर ने उसको चाकू मारा, संजीव सर ने चेतन सर को चाकू मार दिया। जी हाँ दोस्तों, वो बहुत ही सरासर अफवाह उड़ाई जा रही है, बहुत ही गलत है। और वो अफवाह उड़ाने वाला वो और कोई अपने ग्लेज कंपनी के अंदर जो बंदे दो दिन या तीन दिन रह के चले गए हैं वो फालतू की अफवाह। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने वीडियो बना दिया और यूट्यूब पे ट्रेंड कर दिया, यूट्यूब पे वायरल कर दिया और वो वीडियो वायरल भी हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसी अफवाह से दूर रहे, गलत है, वो अफवाह ही है और कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनी इससे विश्व में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं भी ग्लेज कंपनी में काम नहीं कर रहा हूँ, कर भी रहा हूँ नहीं भी कर रहा हूँ, उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन दोस्तों, ग्लेज कंपनी जो बंदा काम कर चुका है, जो एक महीना नहीं बल्कि एक साल, दो साल, तीन साल, उनको बहुत ही एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, मैं कम से कम आज चार साल से काम कर रहा हूँ, इसका मुझे भी एक्सपीरियंस है। मैं अभी मास्टर लेवल पर ही हूँ, मैं भी मास्टर लेवल, ज़्यादा कोई लेवल बड़ा नहीं है, लेकिन मैं भी मास्टर लेवल पर हूँ। फिर भी मैं इसको अच्छा क्यों मानता हूँ, बोलते हैं कि जिसको कुछ मिलता नहीं है फिर भी वो बना रहता है, लगे रहते हैं, तो एक दिन उसको सक्सेस जरूर मिलती है। लेकिन दोस्तों, ऐसी अफवाहों से नहीं। जी हाँ दोस्तों, किसी ने अफवाह ये भी उड़ाई है कि ग्लेज कंपनी बंद हो चुकी है, ग्लेज कंपनी बंद हो चुकी है। अगर दोस्तों ग्लेज कंपनी बंद हो चुकी है तो ये प्रोडक्ट कैसे यूज हो रहे, आज भी हो रहे, हर जगह ब्रांच है इसकी और भी दिनों दिन ब्रांच बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानना बेहद जरूरी है। आपको ना पता हो, किसी ने अफवाह उड़ा दी हो, उसे कोई दिक्कत नहीं। वो बोलते हैं कि कुत्ते भौंकते रहते हैं हाथी चलता रहता है, तो इसी प्रकार चलने क्या कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज जो ग्लेज कंपनी को छोड़ के गए हैं और वो नेगेटिव बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि ये गलत है, ये लोगों को फंसा रहे हैं, लोगों को झूठ बोल के बुला रहे हैं। नहीं दोस्तों, ये गलत आपका वहम है, क्योंकि गलत नहीं है, गलत आप खुद कर रहे हैं। अगर आप ज्वाइनिंग लेके चले जाते हैं, दो दिन रहते हैं, तीन दिन रहते हैं, दस दिन रहते हैं, क्या दस दिन के अंदर सीख जाते हैं? आप स्कूल जाते हैं, पहली क्लास से लगाकर ट्वेल्थ तक जाते हैं, तब जाकर आप पूरा समझते हैं। क्या पता आप एक दिन गए, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ये कभी हुआ है? नहीं हुआ ना। तो आप इसी प्रकार इसी को भी ले हैं कि जब हम स्कूल में पहली बार गए तो हमको क्या कुछ नहीं आता था, हमने एक साल लगाए, दो साल लगाए, तीन साल लगाए, पाँच, दस, बारह, इक्कीस साल लगाए, तब जाके हम थोड़े ट्रेंड हुए। पाँच साल लगे, पाँच साल। अगर जिस बंदे ने पाँच साल लगा दिया वो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उससे सक्सेस होने से। लेकिन दोस्तों, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो रिक्वेस्ट यह है कि गलत अफवाह से दूर रहें। अगर ऐसे वीडियो भी आए तो आप हिलाने की कोशिश ना करें, कोई लोग ऐसे होते हैं उसको हिलाने लगते हैं। नहीं दोस्तों, आप पहले उसकी जानकारी पूरी लीजिए, उसके बाद हिलाएं। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सभी सही हो सकता है, गलत भी कई बार हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि आप सब कुछ गलत, सब कुछ गलत कभी नहीं होता, गलत करने वाले खुद ही होते हैं और गलत हिलाने वाले। तो दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप गलत अफवाह से दूर रहे। जो बंदे काम कर रहे हैं वो लगे रहिए, मेहनत कीजिए, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसे सक्सेस मिल जाती तो हर गली में सक्सेस। सक्सेस पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, वो बोलते हैं कि सक्सेस पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नहीं दोस्तों, खोना कुछ नहीं है, आपको केवल मेहनत ही करनी है, आपको आपका जुनून ही उस लेवल तक पहुंचे। अरे बोलते हैं कि अपने गली के कुत्ते भोंकते रहते, गली के कुत्ते कौन होते हैं? वो होते हैं जो आपके अड़ोस पड़ोस में होते हैं, जो टांग खींचने में लगे होते हैं। आपने कहानी सुनी होगी इंडियन केकड़े की, इसी प्रकार टांग खींचने लगे होते हैं, वो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं, वो हमेशा आपकी टांग खींचते रहते हैं। लेकिन जब तक वो टांग खींचते रहे, आप फिर भी उछलते उछलते आप निकल गए, तो जिंदगी में आपको कोई रोक नहीं सकता। और वही बोलेंगे, हमको पता था कि तू सक्सेस होगा,
जो बंदे टांग खींच रहे थे वो भी अंत में बोलेंगे कि यार तू सक्सेस हो सकता था, हमें पता था। तो क्यों आप डर रहे इस लोगों से? लोग तो कहेंगे, लोगों का काम ही कहना है कि तू नहीं कर सकता, तू कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। करना तो लोग बोलते सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या सुनते रहो, करते रहो, सुनते रहो, करते रहो, एक ना एक दिन आप जरूर सक्सेस होंगे और वो ही खुद बोलेंगे कि तू सक्सेस हो सकता था, ये हमें पता था। भले चाहे वो टांग खींचे, और टांग खींचने वाले कोई बाहर का नहीं है, अब टांग खींचने वाले घर के होंगे, अड़ोस पड़ोस के होंगे, अपने माहौल के होंगे, अपने महल के होंगे, आपके कॉलोनी वाले होंगे, आपके ही अड़ोस पड़ोस। तो दोस्तों क्यों घबराते हैं? मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, आप गलत अफवाह से दूर रहे और लगे रहे अपनी मेहनत पर। ये जरूरी नहीं है आप ग्लेच कंपनी के लिए सक्सेस हो सकते। मैं ये नहीं कहता कि आप जहां पर हैं वहीं से सक्सेस हो सकते, आप मेहनत की जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम करें, जिसका भी काम करें, जो भी काम कर रहे हैं उससे बने रहिए, लगे रहिए, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। और सफलता ऐसे मिल जाती तो हर गली में सक्सेस मिल जाती। 100 में से 5% लोग सक्सेस क्यों होते, और 5 में से 2 लोग ही पैसे क्यों कमाते हैं? इसका कभी सीक्रेट आपने नहीं जाना, लेकिन दोस्तों मैं अगले वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा। आज मैं ये बताने आया था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाना जो नेगेटिव बात कर रहे हैं, जो बंदे नेगेटिव बात करे और गले से नफरत करे, गले जरूरी नहीं कि गले से नफरत करे। हर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, किसी भी कंपनी की जो भी गलत अफवाह उड़ा रहे हैं वो बहुत ही गलत है, क्योंकि वो प्रोडक्ट आप खुद यूज करते, आपको पता भी है प्रोडक्ट अच्छे भी हैं, हाई क्वालिटी के, फिर भी अफवाह उड़ा रहे। अफवाह तो उड़ाना आप सोच, क्योंकि आज दुनिया जालिम है, दुनिया ही जालिम, लोग तो अफवाहों से ही बड़े होते हैं। जो बंदा ज्यादा जिसका अफवाह उड़ता है वही तो सक्सेस होता है, अफवाह भी उड़नी चाहिए ना। तो बने रहिए पूरी वीडियो के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए, आपका प्रेम पूर्वक